नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मणिपाल सिग्ना के प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट प्लान के बारे में। तो दोस्तों, ये जो प्लान है चार वेरिएंट में आता है प्रो हेल्थ के नाम से, जिसके अंदर सबसे पहले प्रोटेक्ट प्लान, दूसरा आता है प्लस प्लान, तीसरा आता है प्रीमियर प्लान और चौथा आता है एक्यूमुलेट प्लान। दोस्तों, मैं चाहता तो एक ही वीडियो में चारों प्लान को मैं आपको कवर कर देता, बट मुझे पता है कि चारों प्लान को एक ही वीडियो के अंदर अगर मैं कवर करूंगा तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर चार वीडियो लेके आऊँगा अलग अलग प्लान में, ताकि आपको जो प्लान आपको सूट करे आप वो ले सकते हैं और आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और ये सारे के सारे प्लान आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले से प्रोटेक्ट प्लान के बारे में कवर करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो है दूसरे प्लान्स को भी कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्ट प्लान का रिव्यू। दोस्तों, सबसे पहले ये प्लान जो है 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख और ऐसे करके 50 लाख तक के सम इंश्योर्ड के अंदर अवेलेबल होता है। लेकिन 2.5 लाख और 3.5 लाख रुपये जो है कंपनी ने फिलहाल बंद कर दिया है, तो मिनिमम आपको 4.5 लाख रुपये से ये प्लान अवेलेबल होगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 60 डेज और 90 डेज के वो अवेलेबल हैं, यानी जब आप अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे और उससे पहले के 60 दिन तक के खर्चे, और जब आप भर्ती होने के बाद घर पर डिस्चार्ज होकर आ गए हैं उसके बाद भी जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर की फीस, कुछ मेडिकल चेकअप या कुछ दवाइयों के बिल, 90 दिन तक के जो है आप कंपनी से रिम्बर्समेंट करवा सकते हैं। रूम रेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम मिल जाएगा अगर आपने 5.5 लाख रुपए तक की पॉलिसी परचेज की हुई है। लेकिन अगर आपने 7.5 लाख या उससे ऊपर का प्लान लिया हुआ है तो आपको कोई भी रूम की कैटेगरी मिल जाएगी, लेकिन सुइट्स और यहाँ पर जो है उससे हायर वर्जन के लिए आपको जो है रूम नहीं मिलेगा। हाँ, आप यहाँ पर जो है सिंगल एसी प्राइवेट रूम ले सकते हैं, डिलक्स ले सकते हैं, सुपर डिलक्स ले सकते हैं अगर आपकी पॉलिसी 7.5 लाख रुपए या उससे ऊपर का प्लान है। इस रूम रेंट की लिमिट को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, इसके अंदर एक एड ऑन आता है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 546 ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर हमें 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए। जैसे कि आप सुबह जाते हैं, शाम को डिस्चार्ज होके आ जाते हैं, जैसे कि कुछ आपकी ENT की सर्जरीज हो गई, साइनस की सर्जरीज हो गई, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई या किडनी स्टोन की सर्जरी हो गई। यहाँ पर ऐसे 546 प्रोसीजर दोस्तों आपको पूरे मिलेंगे जिसके अंदर आपको 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है और आपको जो है ये डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर इसका बेनिफिट मिल जाता है। कम्युनिटी बोनस की बात करें दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे गारंटीड कम्युनिटी बोनस मिलता है 5% का, चाहे आपका क्लेम आए या ना आए, आपको जो है बोनस मिलेगा ही मिलेगा और ये अप टू 200% तक जाता है। इसके लिए भी लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपको लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं। इसकी रिस्टोरेशन की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर भी जो है आपको अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन मिलता है, बट आप ये बात याद रखना कि सेम पर्सन और सेम इलनेस के ऊपर ये काम नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और उन्होंने पूरा अपना सम इंश्योर जो है ख़त्म कर लिया और दोबारा से उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और वो चाहते हैं कि दोबारा से मेरा सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाए, तो दोस्तों इस प्लान में ऐसा वो नहीं होगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर वो भी अवेलेबल है। बेसिकली दोस्तों, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता क्या है कि जब भी आपके नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल्स है वहां पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, दूसरा मरीज ऐसी कंडीशन में नहीं है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया जा सके, तो वहाँ पर 3 दिन से ज़्यादा ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए घर पे ही, वहाँ पर डॉक्टर भी विजिट कर रहे हो, वहाँ पर नर्स भी आती है वहाँ आपकी, तो इस तरीके का अगर ट्रीटमेंट घर पर ही दिया जाता है तो वहाँ पर आपको ये ट्रीटमेंट डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के अंदर जो है कवर किया जाएगा और इसका रिम्बर्समेंट आप कंपनी से ले सकते हैं। एंट्री एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 18 साल की मिनिमम एंट्री एज लिमिट है और मैक्सिमम कोई भी एंट्री एज नहीं है, यानी यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल, यहाँ तक कि 80 साल के भी कोई स्वस्थ व्यक्ति होंगे उनको ये प्लान दे दिया जाएगा। अगर किसी को कोई पहले से बीमारी है तो उनके मेडिकल चेकअप किए जाएंगे, उसके बाद ये प्लान उनको दिया जा सकता है। न्यूबॉर्न बेबी की बात करें दोस्तों, तो वो 90 डेज के बाद से यहाँ पे कवर हैं, और अगर डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें दोस्तों, तो 23 साल तक के बच्चे जो हैं यहाँ पर इस पॉलिसी में कवर किए जा सकते हैं। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप ये पॉलिसी एक बार में 2 साल के लिए ऑप्ट करते हैं
तो 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा, और 3 साल के लिए अगर ये एक साथ आप प्लान परचेज करते हैं तो आपको 10% का जो है प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी है, लेकिन आपको ये 3 साल में एक बार मिलेगी। यहाँ पर कुछ लिस्टेड टेस्ट हैं, उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए वाले कौन कौन से टेस्ट हैं तो वो मैं आपको दे दूंगा, या आप उसको जाके पॉलिसी वर्डिंग्स में भी पढ़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वो हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आप इस प्लान के अंदर ले पाएंगे। एम्बुलेंस कवर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 2,000 रुपये जो है पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर आपको मिलता है। मतलब आपकी मान लीजिए 4 बार अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है और 4ों बार आपने एम्बुलेंस का यूज़ किया है, तो यहाँ 2,000 रुपये करके जो है आपको 4 बार दे दिए जाएंगे। दोस्तों इस प्लान के अंदर वर्ल्ड वाइड एमरजेंसी कवर भी अवेलेबल है, यानी मान लीजिए अगर ये प्लान आपने 10 लाख रुपए का लिया है, 20 लाख का लिया है, जितने का भी आपने लिया हुआ है, और आपको कोई एमरजेंसी के अंदर वर्ल्ड वाइड मतलब इंडिया के बाहर जाके आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो आप वो भी ले सकते हैं इसके अंदर। लेकिन वो एमरजेंसी केस में ही होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा एमरजेंसी थी और जो है आपने बाहर जाके ट्रीटमेंट कराया, तो आपको जो है वो रिइंबर्समेंट के अंदर वो पैसे दे दिए जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं कि हमने अपने YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ फ्री सर्विसेज लॉन्च किए हैं, जिसमें अगर आप हमसे YouTube पे कोई भी जो है कमेंट में सवाल पूछते हैं या WhatsApp पे सवाल पूछते हैं, तो आपको जो है उसका आंसर 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आप किसी भी जो है दो प्लान्स का कंपेरिजन मांगते हैं, वो भी आपको जो है PDF शीट WhatsApp पे जो है दे दी जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। साथ ही साथ आप हमसे किसी भी कंपनी का कोई सा भी प्लान, उसका जो है फ्री कोटेशंस ले सकते हैं ओवर द WhatsApp, ये भी आपके लिए फ्री रहेगा। अगर आपको कोई भी ब्रोशर चाहिए, कोई भी पॉलिसी वर्डिंग चाहिए PDF में, तो वो भी आप जो है हमसे मांग सकते हैं। वो किसी भी कंपनी का कोई भी प्लान हो सकता है। ये सारी जो सर्विसेज हैं आपको हम WhatsApp पे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जिसमें जजो मेरा WhatsApp नंबर यहाँ पर मेंशन है 9910177177। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इन सर्विसेज का लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऑर्गन डोनर कवर की। दोस्तों ये एक ऐसा कवर होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि हमें कोई भी बॉडी का ऑर्गन किसी दूसरे से डोनेशन में लेना पड़ता है, ऐसे में उनकी भी सर्जरी करनी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डोनर होंगे उनका भी कोई सर्जरी अगर होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, तो वहाँ पर भी जो है उनकी सर्जरी के कॉस्ट के एक्सपेंसेस इस प्लान के अंदर बियर किए जाएंगे। आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर अप टू द सम एश्योर्ड कवर किया जाएगा। हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट भी है दोस्तों, जिसको हम नॉर्मल भाषा में OPD कवर कहते हैं। इस प्लान के अंदर अगर आपने कोई 500 रुपये तक का खर्चा करते हैं OPD में, तो वो आप यहाँ पे रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें दोस्तों, तो कोई भी यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस अगर हो जाती है, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है पॉलिसी में, उनको यहाँ पर एक साल में एक बार आप जो है मणिपाल सिग्ना के जितने भी पैनल पे डॉक्टर हैं, आप चाहते हैं कि हम उनसे एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, सिर्फ ये क्रिटिकल इलनेस के लिए अवेलेबल है, तो आप वो यहाँ पर आकर ले सकते हैं। हेल्दी रिवार्ड्स की बात करें दोस्तों, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है, यहाँ पर अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं या कंपनी की दी हुई जो गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो करते हैं, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट्स मिलते हैं उसको आप जो है अपनी रिन्यूअल के ऊपर उसको डिस्काउंट करा सकते हैं दोस्तों, जो कि रिवार्ड पॉइंट कंपनी का कहना है कि आप मैक्सिमम 5% तक इंडिविजुअल पॉलिसी में डिस्काउंट ले सकते हैं और 20% तक का फैमिली फ्लोटर के अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं, और ये हर साल ले सकते हैं दोस्तों। तो इसको जो है दोस्तों मैं कहूँगा ज़रूर आप इसका डिटेल में जाके पढ़ लें इसको, और फिर इसका बेनिफिट लें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पॉलिसी वर्डिंग्स में मिल जाएगी, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस प्लान के अंदर जोन बेस्ड प्राइसिंग है, मतलब दिल्ली के लिए यहाँ पे अलग रेट होगा, चंडीगढ़ के लिए यहाँ पे अलग रेट होगा। मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि जोन वन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि मुंबई आता है, थाने आता है, नवी मुंबई, गुजरात, दिल्ली NCR के पार्ट। जोन टू में दोस्तों बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, लुधियाना, कोलकाता, पुणे ये आते हैं। जोन थ्री में जो भी शहर यहाँ पर हमने नहीं लिखे हैं वो सारे एरिया जो है वो जोन थ्री में आते हैं। यहाँ पर प्रीमियम भी दोस्तों तीनों जोनों का अलग होता है, जोन वन का ज़्यादा होगा, जोन टू का कम होगा और जोन थ्री का अलग होगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए किसी ने जोन टू का प्रीमियम लिया है और वो जोन वन में जाके इलाज कराता है, तो यहाँ पे उनको 10% का कोपेमेंट देना पड़ेगा। इसी तरीके से
कोई अगर मान लीजिए जोन थ्री का है और जोन वन में जाके इलाज कराता है तो वहाँ पे उनको 20% का कोपेमेंट देना पड़ेगा। कोई जोन थ्री का है जोन टू में जाके इलाज कराता है तो वहाँ पर भी उनको 10% का कोपेमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शनल कवर की। ये ऑप्शनल है, ये प्लान के साथ नहीं है, इसमें आप अपना एड ऑन करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज होगा। जैसे कि हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जितने दिन भी आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप इसमें रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो 15 दिन के हिसाब से 1000 रुपये यानी 15000 रुपये भी आपको रिम्बर्समेंट में दे दिए जाएंगे। डिडक्टेबल ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो इस ऑप्शन से जो है आप अपने प्लान को जो है एक सुपर टॉपअप प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 3 लाख 4 लाख 5 लाख की पहले से पॉलिसी चल रही है और यहाँ पे जो है आपने वो डिडक्टेबल चूज़ किया और मान लीजिए यहाँ पे आपने 50 लाख का प्लान ऑप्ट किया तो ये आपका सुपर टॉपअप बन जाएगा। सुपर टॉपअप में इतने सारे फीचर्स नहीं आते हैं जो इस प्लान के अंदर फीचर्स हैं, लेकिन आपको वो सारे फीचर जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन आपने जितने का भी डिडक्टेबल चूज़ किया है उस डिडक्टेबल के बाद ही आपकी ये पॉलिसी काम करना शुरू करेगी। वेवर ऑफ डिडक्टेबल दोस्तों, अगर आप ये एक बार डिडक्टेबल ले लेते हैं तो ये चेंज नहीं होगा साल में, लेकिन इसको रिन्यूअल पे आप चाहते हैं कि मुझे चेंज कर दिया जाए तो आप जो है ये डिडक्टेबल ऑप्शन हटा सकते हैं और आपका ये नॉर्मल बेस पॉलिसी की तरह भी काम करने लग जाएगा। वॉलंटरी कोमेवेंट की बात करें दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं आपको प्रीमियम में और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए और आपको ये भी पता है कि जो प्लान है उसके अंदर 10% या 20% क्लेम आने पे मैं अपनी पॉकेट से बेयर कर सकता हूँ, तो आप ये वॉलंटरी कोपेमेंट ले सकते हैं। यानी जब भी यहाँ पर बिल आएगा उसका 10% या 20% जो भी आपने यहाँ पे चुना है वो आपको अपनी पॉकेट से बिल पे करना पड़ेगा और इससे आपका प्रीमियम जो है और सस्ता हो जाएगा। वेवर ऑफ मैंडेटरी कोपेमेंट की बात करें दोस्तों, इस प्लान में अगर आपकी उम्र 65 साल या ज़्यादा हो जाती है तो आपको 20% कोपेमेंट देना पड़ता है। कोपेमेंट का मतलब दोस्तों यह है कि अगर 100 रुपये का बिल आता है तो उसमें से 20 रुपये का जो बिल है वो आपको अपनी जेब से चुकाना है और 80 रुपये का जो बिल है वो कंपनी आपको यहाँ पर पे करेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि उसको हटा दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि कंपनी मेरे को पूरा बिल पे करे, तो दोस्तों वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप यहाँ से जो है वो कोपेमेंट को रिमूव करा सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये ऑप्शन एक है कम्युनिटी बोनस बूस्टर, जो आपको मैंने बताया था कि आप अपने बोनस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वाला एड ऑन ले लेंगे तो आपको क्या होगा, जो पहले 5% आपको बोनस मिलता था अब वो यहाँ पे आपको 25% मिलेगा, तो यहाँ पर आपको वही बोनस मैक्सिमम 200% तक चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कम्युनिटी बोनस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ एड ऑन कवर्स हैं ये कंपनी ने इंट्रोड्यूस करे हैं, इसके अंदर आप जो है अपना प्रीमियम ऐड करके इसको और बेनिफिट ले सकते हैं इस प्लान से। जैसे कि क्रिटिकल इलनेस की मैं बात करता हूँ, अगर मान लीजिए किसी को भी यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस होती है, कंपनी की कुछ लिस्टेड डिजीज़ हैं, कुछ बीमारियाँ हैं, अगर उस बीमारी में से कोई भी बीमारी हो जाती है, मान लीजिए आपने 10 लाख का प्लान लिया था और कोई बीमारी हो गई, तो कंपनी आपको 10 लाख के इलाज का खर्चा तो देगी देगी, साथ में 10 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में भी डाल देगी। तो दोस्तों ये लमसम बेनिफिट है जो आपको दिया जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर हेल्थ 360 शील्ड। दोस्तों ये एक ऐसा एड ऑन है इसके अंदर, वैसे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें शील्ड, एडवांस और ओपीडी, ये 360 जो है राइडर पूरे कवर किए जाएंगे, उसको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे जो शील्ड प्लान है दोस्तों, ये जो नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं वो आपकी कवर करेगा, जिसको कि हम कंज्यूमेबल आइटम्स भी बोलते हैं, तो इसके अंदर वो कवर किए जाएंगे आपको। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि व्हील चेयर हो गया या बाईपैप मशीन हो गया या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गया, तो दोस्तों कोई भी कंपनी जो है उसको परचेज करने के लिए आपको पैसे नहीं देती है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए तक आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए या बाईपैप मशीन लगा के इनको रहना है, तो उसके परचेजिंग के पैसे भी जो है आपको इस जो है एड ऑन से दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों एक एडवांस प्लान आता है, ये भी एक एड ऑन है, इसमें आप अपने जो रूम की कैटेगरी है उसको किसी भी रूम की कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर सिंगल एसी प्राइवेट रूम है और आपने अगर ये एडवांस वाला एड ऑन लिया है तो आप चाहें तो स्वीट के अंदर या उससे ऊपर की कैटेगरी भी जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन भी एड ऑन हो जाएगा, जो कि सेम पर्सन और सेम इलनेस के ऊपर काम करेगा। और
एयर एम्बुलेंस का भी फीचर इसमें ऐड हो जाएगा, जिसके जो लिमिट होगी मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक की होगी। और दोस्तों ये ओवर एंड अबव होगा, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है और आपने ये बेस कवर भी ले लिया, तो 10 लाख तो आपको इलाज के लिए खर्चे के लिए मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 10 लाख रुपए आपको एम्बुलेंस के लिए अलग से मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों एक प्लान आता है ओपीडी, जो कि मेरा फेवरेट प्लान है दोस्तों इसमें। और इसके अंदर आप जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपने मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों ये 50,000 रुपये तक का ओपीडी आता है। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो अलग से बना के दूंगा, इसमें जो है आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा कि वो वीडियो कितनी जल्दी आ जाएगी आपके पास और आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मेडिकल ओपीडी है, इसमें जैसे मान लीजिए आपने 50,000 का लिया, तो यहाँ पे आपको दवाइयों का भी खर्चा मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम 20% ऑफ ओपीडी सम इंश्योर्ड होगा। मतलब 50,000 का आपने अगर प्लान लिया तो 20% होता है उसका 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपये तक आप जो है इसमें दवाइयों का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों बात करूँ प्रीमियम कैलकुलेशन की, बहुत लोग चाहते हैं कि इस प्लान का मेरे को प्रीमियम बताइए कि कितना आएगा, एड ऑन्स के साथ कितना आएगा। तो इसके लिए हम दोस्तों आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप मुझसे व्हाट्सएप करके भी मांग सकते हैं। आप वहां से अपना प्रीमियम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो पॉलिसी भी बाय कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपको जो है मणिपाल सिग्ना की वेबसाइट से मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेजर एक्सक्लूजन्स के बारे में, कि यहाँ पर दोस्तों अगर कोई आपके पास कोई PED है, यानी जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं हम, अगर कोई ऐसी बीमारी है आपको, तो यहाँ पे 4 साल का उसका वेटिंग पीरियड रहेगा। 4 साल के बाद ही जो है आप उस बीमारी का कवर ले पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा कुछ बीमारियों के लिए, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, ज्वाइंट पेन हो गए आपके, मतलब ज्वाइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं जिसको हम, स्टोन्स हो गए, साइनस हो गए, गॉल ब्लैडर रिमूवल हो गया आपका, या आपको पाइल्स की सर्जरी हो गई, फिशर हो गया। तो दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो है हर कंपनी के अंदर स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, तो यहाँ पर भी 2 साल का वेटिंग पीरियड है। ये 2 साल में जो है इसके बाद आप इन बीमारियों का क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों 30 डेज का यहाँ पर इनिशियल वेटिंग पीरियड है, अगर एक्सीडेंट को छोड़कर और भी कोई बीमारी आती है तो आपको पहले 30 दिन तक क्लेम नहीं मिलेगा, 30 दिन के बाद ही आप जो है इस पॉलिसी का बेनिफिट उठा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 20% का कोपेमेंट है, अगर आपकी एज 65 साल या उससे ऊपर हो जाती है तो आपको 20% बिल का जो भी आएगा क्लेम में आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। अगर आप इसको हटवाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक एड ऑन कवरेज है, वो आप लेने के बाद उसको हटा सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस का एक एड ऑन कवर लेते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, तो अगर आपने ये कवर लिया है तो उसमें जो वेटिंग पीरियड है क्रिटिकल इलनेस का, वो 90 डेज का रहेगा। दोस्तों आप चाहते हैं इसका कोई मेजर एक्सक्लूजन्स और भी डिटेल में आप स्टडी करना चाहते हैं इस प्लान को, तो मैं आपको पॉलिसी वर्डिंग और ब्रोशर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसकी पूरी डिटेल जाके जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्लान आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा है और आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसका ज़रूर लीजिए। आप कोई भी सवाल है आपके इस प्लान से रिलेटेड तो जो है आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। दोस्तों मेरा नाम है सचिन वर्मा, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।